कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेश, राय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 2 मार्च के बारे में। 2 मार्च आज दिन है सोमवार, तो सोमवार के विषय में आपको बताते हैं। शिव जी का दिन है, बहुत खास दिन होता है सोमवार का दिन, भगवान शंकर को समर्पित होता है। बहुत सारे लोग इस दिन खास तौर पर शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे मनवांछित फल पाने के लिए। और जानते ही हैं कि शिव जी जो है, भोले बाबा जो है, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता होते हैं। तो आप भी अगर चाहें आज तो अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव का नाम लेकर, भगवान शिव की आराधना कर उनकी पूजा करके आज आप कर सकते हैं। चलिए पंचांग की बात करते हैं। सबसे पहले फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 12:53 तक रहेगा। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 12:10 से 12:56 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल जिसे अशुभ समय माना जाता है उसकी बात करें तो प्रातः 8:11 से 9:39 तक जो है राहु काल चलेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में कहीं यात्रा कर रहे हैं तो इससे बचना है, और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ आपको मुख रखकर नहीं करना है। ये 3 चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, अभिजीत मुहूर्त, राहु काल और दिशा शूल। अगर दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने राशिफल के अलावा इन 3 चीज़ों पर भी ध्यान दिया करें और इसी के अकॉर्डिंग कार्य को किया करें। बाकी आगे हम आपको बताएंगे वीडियो में हर 12 राशि के जातकों के लिए कौन सा अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, साथ ही एक ज्योतिषोपाय जो आपके दिन को बेहतर बनाने में आपके लिए मददगार होगा। तो ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी इस वीडियो में। और आपको बता दें कि ये जो राशिफल आगे आपको हम बताने वाले हैं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अब जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है, जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि चंद्र राशि यानी कि मून साइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसको कैसे पता करना है, तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं या फिर हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इन दोनों जगहों से आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं, साथ ही ज्योतिष के बारे में और भी जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पैसे का भुगतान किए। क्योंकि आजकल लोगों को ये लगता है हर चीज़ पैसे से होती है, तो नहीं, एस्ट्रोसेज पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जो है आपको लाभ मिलेंगे जो बिना पैसे के भुगतान के हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे सभी दर्शक, सभी लोगों को ज्योतिष के असली ज्ञान के बारे में पता लगे, इसीलिए हम ये सारी सुविधाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि चक्र की पहली राशि होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरीज। हेल्थ की बात करें मेष वालों की, तो सेहत के नजरिए से आज का वक्त जो है थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें। बीते दिनों में जितना धन आपने अपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था उसका फायदा आज आपको जरूर मिलने वाला है। फैमिली लाइफ की बात करें तो आज स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसा आप सोचते हैं। आज घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में खुद पर काबू रखें और कोशिश करें कि लोगों के बीच जो है प्यार मोहब्बत की भावना को जागृत करें। थोड़ा लव लाइफ में संभल कर चलना है। अपने प्रिय को यानी अपने लव पार्टनर को आप रूमानी तौर पर मक्खन लगा सकते हैं। वो मक्खन कैसा होगा बताते हैं आपको। बातें आप ऐसी करोगे कि मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ऐसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें आज आप कर सकते हो उनको खुश करने के लिए। कोई बुराई नहीं है, हालांकि कोशिश करें वो बातें जो आप मीन नहीं करते, वो बातें जो कि बनावटी हो, वो बातें जो कि आपके रिश्ते को मतलब एक तरीके से जो है शो ऑफ वाली चीज़ बना दे, तो उसको वो ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। ये बाकी मेरी सोच थी। आप जिस तरीके से खुश रखना चाहते हैं अपने पार्टनर को रख सकते हैं। मेन मुद्दा जो है वो है खुशी का। आप दोनों खुश रहने चाहिए अपने रिलेशन में। आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, बाकी चीज़ें तो लाइफ में आती जाती रहती हैं। चलिए आज आप एक टीम का नेतृत्व करने के लिए ऑफिस में जो है मजबूत स्थिति में होंगे और लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम भी करेंगे। कहते हैं यूनिटी जो है एकता में बल है। यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप थोड़ी दूर जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन अगर इकट्ठे जा रहे हैं थकेंगे, लोगों का मोटिवेशन मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के मोटिवेशन से, एक दूसरे की बातों से आपको आगे चलने का जो है हौसला मिलता है। तो लोगों के साथ काम करते हैं
तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, जानने को भी मिलती हैं, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ में बेहतर नहीं होता। ज़रूरी नहीं है एक ही इंसान में सारा ज्ञान हो, किसी इंसान में कुछ नॉलेज होती है, किसी इंसान में कुछ नॉलेज होती है। तो क्या करना होता है, जब हम साथ में रह रहे होते हैं सारे लोगों के साथ, तो उनसे उनके ज्ञान की बातें शेयर करनी होती है, जाननी चाहिए। हर किसी के पास कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को लेना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का दिन ऐसा ही है कि आप यूनिटी आपकी दिखेगी और ऑफिस में काम भी बहुत अच्छा होगा, आप अपने एम को पा सकेंगे। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। तो जो लोग मेष राशि के जातक, कोई कानूनी रिलेटेड जो है कोई विवाद है या कोई आप जिसमें कोर्ट जाना चाहते हैं, कानून से जस्टिस लेना चाहते हैं, तो आज उस कार्य को आप कर सकते हैं। मैरिड लोगों का जीवन आज अधिक सुखमय बनाने के लिए आपके प्रयास जो हैं, आप जो करेंगे वो उम्मीद से ज़्यादा रंग लाने वाले हैं, यानी कि दिन काफ़ी बेहतर रहेगा। पति पत्नी के बीच जो है प्यार में इजाफा देखा जाएगा। अब बात करें अगर इस राशि के छात्रों की, तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा आप जो है पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छा जो है आपको सेटिस्फैक्शन होगी, दिन अच्छा है, इसको और भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। बाकी जो इस राशि की गृहिणियां हैं, आज मायके की तरफ से कोई घर पर पधार सकता है, कोई करीबी दोस्त आपके घर पर आ सकता है, उसकी खातिरदारी में आप समय लगाएंगे और साथ ही बहुत खुश भी रहेंगी। चलिए उपाय जानते हैं, क्या उपाय करना चाहिए इस राशि के जातकों को। इमली के पेड़ को जल से सींचे आज, अगर इमली का पेड़ नहीं मिलता तो किसी भी पेड़ को जल से आज सींचे जरूर। शुभ अंक है आपके लिए 7, लकी नंबर, शुभ रंग है यानी लकी कलर है आपके लिए क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस वालों की, तो बच्चे जो हैं आपकी शाम को खुशी की चमक लेकर आएंगे, यानी कि बच्चों की वजह से आज आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। और बच्चे होते ही ऐसी चीज है कि उनको देखने मात्र से ही थकान दूर हो जाती है। आज थकान से याद आया कि थकाऊ और उबाऊ जो दिन है इसको अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की आज आप योजना बनाएं और बच्चों को अपने परिवार को साथ में उनको लेकर जाएं। ऐसा करने से शरीर में और भी ऊर्जा आएगी, एक्टिव हो जाएंगे उनके साथ बैठकर उनके पॉजिटिविटी को लेकर। तो फैमिली के साथ आज आप डिनर प्लान कर सकते हैं या बाहर कहीं आउटिंग प्लान कर सकते हैं छोटी मोटी। आज पैसों की बात करें तो पैसों के मामले में दिन अच्छा नहीं है उतना, जितना आपको धन मिलेगा वो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, जितनी आपने आशा लगाई थी उतना पैसा नहीं आएगा, लेकिन जितना मिले उसमें खुश रहने की आदत भी इंसान को विकसित करनी चाहिए, नहीं तो हमेशा आप जो है बड़े की सोच में, बड़े की चाह में ही रह जाएंगे और जब भी कुछ मिलेगा आप उससे ज़्यादा सोचेंगे और दुखी हो जाएंगे। तो जितना मिलता है दुखी ना हो, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, हाँ अपने एम्स को पूरा एकदम हाई आप सेट करें ताकि आप और भी चीज़ें हाँ हासिल करें, लेकिन दुखी होने वाली ये कोई बात नहीं होती। तो इसलिए दुखी ना हो आज पैसे को देखकर तो बेहतर होगा। फैमिली लाइफ की जो है प्रॉब्लम्स को आज हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो भी आपको लगता है इस बारे में, जो भी आपको प्रॉब्लम है फैमिली में उस बारे में बिना देर के बातचीत करें, क्योंकि एक बार इस समस्या के हल हो जाने से घर में जीवन जो है बहुत आसान हो जाएगा और परिवार के लोगों को प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज आप प्यार की मनोदशा में होंगे और आपके लिए काफ़ी मौके भी होंगे। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। वहीं जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। वो कहते हैं बड़ा एक जो है घर का बुजुर्ग जो है पेड़ होता है और हम अगर उसकी छाया में बैठ जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में अच्छी। तो इसी तरह आज आप घर के किसी बड़े के साथ वक्त गुजारें, आपको बहुत सारे आपके प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन उनके साथ बैठने मात्र से मिल जाएगा। अपने जीवन साथी के चलते आज आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है, इतना प्यार होगा आप दोनों में। जिस राशि के छात्र हैं आज चोट आदि लगने की संभावना है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। इस राशि की गृहिणी आज पति से डिमांड करेंगी किसी चीज़ की और पति की तरफ से अनाकानी उनका दिल दुखा देगी। उपाय के तौर पर आज के दिन नीले रंग के कपड़े पहने। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। तली भुनी चीज़ों से दूर रहें और नियमित व्यायाम करते रहें। अगर आप अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे तो आप फिट भी रहेंगे। अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है और आप पैसे को सेव कर सकते हैं। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगे। दोस्त और जीवन साथी आराम और खुशी देंगे, नहीं तो बाकी दिन उबाऊ और नीरस गुजरेगा। समय, कामकाज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिश्ते सब एक ओर और आपका प्यार एक तरफ, दोनों आपस में आज खोए हुए रहेंगे। कुछ ऐसा मिजाज रहेगा आपका, यानी कि लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आज लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वह प्रशंसा आप सुनने को आपको आज मिलेगी जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे।
जीवन साथी के साथ एक जो है आज बढ़िया शाम गुजारेंगे और आप दोनों जो है अपने पुराने और अच्छे दिनों को याद करेंगे। जिस राशि के छात्र हैं आज बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, तो कोशिश करें अपने आप पे कंट्रोल रखने की, ना कि उनको कंट्रोल करने की। जिस राशि की गृहिणियां हैं आज अपने परिवार की, यानी अगर आप ससुराल में हैं तो अपने ससुराल, या अगर आप मायके में भी गई हुई हैं तो मायके, दोनों जगहों के लोगों में से किसी से अनबन हो सकती है, तो कोशिश करें अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की। उपाय के तौर पर आज के दिन सरसों के तेल में अपना मुख देखकर उसका दान कर दें। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कर्क राशि की। राशि चक्र की चौथी राशि होती है कैंसर। मुस्कुराएं, क्योंकि आज हंसना खुश रहना आपकी सभी परेशानियों को हल करने वाला है। टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं है, तो आज खुश रहने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन पैसा भी लगातार बहते जाएगा, यानी किसी ना किसी चीज़ में पैसा खर्च होगा और इसकी वजह से आपकी किसी बड़ी योजना में रुकावट आ सकती है। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों को फिर से तरोताज़ा करने का दिन है। कोशिश करें अपने रिलेटिव्स के पास जाने की, अगर जा नहीं सकते तो उनसे फ़ोन के माध्यम से ही बातचीत करने की। आज लव पार्टनर या आपका जो लाइफ पार्टनर, किसी की तरफ से आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है, कोई संदेश मिल सकता है जिससे आपके उत्साह में, एनर्जी में और अधिक बढ़ोतरी देखी जाएगी, उत्साह दोगुना हो जाएगा आपका। ऑफिस में या बिजनेस में नए प्रस्ताव आपके लिए आज आकर्षक होंगे, लेकिन सलाह है कि जल्दबाजी में आज कोई भी निर्णय ना लें। जल्दबाजी में निर्णय लेना समझदारी का काम नहीं है, तो इसीलिए भागा दौड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लें आज अपने काम से, करियर से रिलेटेड। बात करें अगर यात्रा आदि की, तो इस राशि के जातकों के जीवन में आज यात्रा तो है, लेकिन इससे तुरंत लाभ नहीं होगा। इसके चलते आप अच्छे भविष्य की नींव जरूर रख लेंगे, तो इसीलिए अगर यात्रा है आपके योग में तो जरूर आज करें। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की जो है याद दिला देगी, तो आज कोशिश करें उन दिनों को याद करने की और भी प्यार अपने जीवन में लाने की। उनको जो पसंद है वो बातें करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। इस राशि के छात्र आज, उनको हो सकता है कि पैरों से जो घुटनों से जुड़ी हुई या पैरों से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है, तो ज़रा ध्यान से रहें। इस राशि की जो गृहिणी, आज जीवन बहुत अच्छा बीतेगा जब पति की तरफ से प्यार भरे बोल आपको सुनने को मिलेंगे। वो तारीफ कर सकते हैं आपके खाने की, आपकी खुद की, या आपके द्वारा किसी किए गए किसी एफर्ट की, तो ये बहुत अच्छा दिन रहेगा। उपाय जान लेते हैं। स्कूल, हॉस्टल या अनाथ आश्रम में कुछ आर्थिक मदद, पुस्तकें या उपयोगी सामान दान जरूर करें। शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि की। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है, तो वो कार्य करें जो आपको पसंद है, लेकिन लिमिट में। इस राशि के बिजनेसमैन लोगों को आज अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना चाहिए जो आपसे पैसे मांगते हैं और फिर लौटाते नहीं है, यानी लेनदार से आज दूर रहना है। अपने परिवार को बताकर और अपने कामों से जताकर महसूस कराते रहें कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। फैमिली में बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करने की, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की। इससे क्या होगा कि आपको भी खुशी मिलेगी, उन्हें भी खुशी मिलेगी, और इस खुशी को दोगुना करने के लिए कोशिश करें उनके साथ हर रोज़ थोड़ा समय बिताने की। दूसरों को खुशियाँ देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। नौकरी पेशे के लिहाज से आज की गई यात्रा सकारात्मक फल देने वाली है। वहीं आपको इंटरव्यू के दौरान, अगर कहीं जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अपना दिमाग ठंडा रखें और खुद को अभिव्यक्त करें, यानी कि आपके मन में क्या है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर पता होता है, तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें और अच्छे तरीके से बताएं। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात की अहमियत को आज आप समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। अपने साथी पर किया गया एक डाउट आज बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। रिश्ते में शक नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज रिश्ता खराब करती है तो वो है शक, तो इसीलिए डाउट वाली चीज दूर ही रखें। इस राशि की गृहिणियों को आज बहनों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिलेगा और कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आप अभी तक अनजान थी। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज के दिन को और भी बेहतर बनाना है तो क्या करें। उपाय के तौर पर आपको जेब में आज हरे रंग का रुमाल रखना है। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि की। अपने बच्चे का प्रदर्शन आज आपको बहुत खुशी देगा। बच्चों की वजह से बहुत खुशियां मिलेंगी आपको। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी आ सकती है। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में आज मदद करेंगे। आपके लव पार्टनर का मूड आज ठीक नहीं है, इसीलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। साझेदार से संवाद कायम करना आज बहुत कठिन सिद्ध होगा, यानी कि हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर का दिमाग आज
अलग टेंजेंट में चल रहा हो, आप अलग चल रहे हो, और इसीलिए उनके साथ जो है बात करके चलने में सही तरीके में बहुत दिक्कत हो। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक है, यह बात आज आप समझेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपके पास टाइम नहीं होगा, इतना बिजी रहेंगे आज आप, कोई बात नहीं। अगर आप लगता है कि आप किसी वाजिब कारण से आप बिजी थे तो ये बात लाजमी है, चलता है। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ में बिजी हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और फिर आप अपने घर वालों को अपनों को टाइम नहीं देते, तो ये गलत है। इसमें सुधार लाने की आज आपको ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। जीवन साथी की जो है सेहत आज खराब हो सकती है, तो लाइफ पार्टनर की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान आपको आज देना होगा, नहीं तो हो सकता उनकी सेहत ज़्यादा बिगड़ जाए। गृहिणियाँ जो है इस राशि की, आज अपने बच्चों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करेंगी, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को अपना एग्जाम्पल देंगी और कोशिश करेंगे अपने बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की। जो छात्र हैं, छात्रों के लिए दिन अच्छा है, हो सकता है कि टीचर्स की तरफ से आपको आज आपके भविष्य को सुधारने के कुछ जो है आपको टिप्स मिल जाएं। उपाय के तौर पर आज कुत्ते को एक रोटी खिलाएं। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि की। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति निश्चित है। आज के दिन धन हानि होने की संभावना है, इसीलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना हो सके सतर्क रहें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पैसे को संभाल कर रखें, किसी को पैसे दे नहीं, ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, क्योंकि आज हानि हो सकती है पैसों से जुड़ी हुई। दिन के उत्तरार्ध में अचानक कोई खबर आएगी, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपको आज अपने लव पार्टनर को अपने दिल की बात बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए आज ही अपने लव पार्टनर के लिए जो भी आप फील करते हैं उनको बता दें। बिजनेस पार्टनर आपकी नई योजनाओं और विचारों का आज समर्थन करेंगे, सपोर्ट मिलेगा उनका। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए समय मिल सकता है, लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो जाएंगे, और वो टाइम आपका जो मी टाइम बनाने वाले थे वो भी चला जाएगा। कोई बात नहीं, आने वाले समय में फिर से प्लान कीजिए, लेकिन हो सकता है घर का कोई काम है तो इम्पोर्टेंट होगा, तभी आपको मिला है। दिन वाकई रोमानी है, बढ़िया खाना, महक, खुशी, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। जिस राशि की गृहिणियां हैं, आज किसी पुरानी सहेली से बातचीत कर सकती हैं फोन के माध्यम से। उपाय के तौर पर काले सफेद तिल और सतनाजा किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो लोग दूध आदि के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है, यानी लिक्विड से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं या डेयरी प्रोडक्ट से। कल्पनाओं के पीछे ना दौड़ें और यथार्थवादी बने, वहीं कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। दोस्तों के साथ बातें करके, उनके साथ समय गुजार कर आप अपने टेंशन को भूल जाते हैं। आसमान आज ज़्यादा उजला नजर आएगा, फूलों में ज़्यादा रंग दिखेंगे और आपके आसपास सब कुछ चमक उठेगा। जी हाँ, यह इश्क का सुरूर है, इसको महसूस करें। आपको पता लग सकता है कि आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं, आज उसकी वजह जानकर आपको वाकई तसल्ली होगी, और कोशिश करें वजह जानने के बाद इस पर काम भी करने की, किस तरीके से उनकी नाराजगी को, उनके रूखेपन को दूर किया जा सके। इस राशि के उम्रदराज आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। विवाह के बाद कई बातें जरूरत से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाती हैं, ऐसी ही कुछ बातें आपको व्यस्त रख सकती हैं। अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जब मिलती है तो आपको उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, चाहे आप वाइफ हो चाहे आप हस्बैंड हो, हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ होती हैं, उनको निभाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इस राशि की जो गृहिणियाँ हैं, आज हो सकता है कि किसी स्त्री के माध्यम से, या किसी जो है आपकी बहन हो गई, मासी हो गई, ननद हो गई, किसी भी स्त्री के माध्यम से आज आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल होगी। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि आज जो है नहाने वाले जल में काले तिल, काली सरसों के दाने डालकर स्नान करें। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि की। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफ़ी संभावनाएं हैं, और इसके चलते आप शीघ्र ही खेलकूद में हिस्सा भी ले सकते हैं। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए, जो आने वाले वक्त में आप फिर से उसे पा सकें। घर वालों के साथ मिलकर आज कुछ अलग और रोमांचक किया जाना चाहिए। प्यार का जज्बा अनुभव के परे है, लेकिन आज आप प्यार की इस मदहोशी की कुछ झलक पा सकेंगे। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफ़ी जो है सराहना मिलेगी, और इसके चलते अचानक जो है लाभ भी आपको हो सकता है। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मन को शांत बनाए रखने के लिए आपको एकांत में समय बिताना चाहिए। मैरिड लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद आज का दिन जो है एक दूसरे के प्यार को सराहने का
सही दिन है। तो आज कोशिश करें अपने लाइफ पार्टनर की उन बातों को जो है सराहें, उनको उस बात के लिए थैंक यू करें जो उन्होंने अभी तक आपके लिए किया है। इस राशि की गृहिणी आज थोड़ा संभल के रहें, सेहत आपकी आज बिगड़ सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि चने की दाल आज गाय को खिलाएं। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि की। अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा आज खाना खाने से बचें, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है, हाजमा बिगड़ सकता है। निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आज आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीजें दिलाएगी। किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को भी सच कराने में आज आपको मदद करनी चाहिए। दिव्य सपनों में समय खपाना नुकसानदेह रहेगा। इस मुगालते में ना रहें कि दूसरे आपके काम करेंगे। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको आज ज्यादा खास वक्त देने वाला है, तो तैयार हो जाइए उसके लिए। वहीं इस राशि की गृहिणियां आज शॉपिंग पे या कहीं अगल बगल में फंक्शन आदि पर जा सकती हैं अपने पूरे परिवार के साथ। उपाय के तौर पर आज नहाने से पहले नाभि में तेल लगा लें, फिर पूरे शरीर में तेल लगाएं, उसके बाद स्नान करें। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। राशि चक्र की 11वीं राशि होती है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्वेरियस। वजन पर आज आपको नजर रखना है एक्वेरियंस, और जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बचना है। धन हानि भी होने की संभावना है, इसीलिए लेन देन से जुड़े मामलों में थोड़ा सतर्क रहें। पार्टी करने की सोच रहे हैं तो आज अच्छे दोस्तों को घर पर बुलाएं और पार्टी करें। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे आज के दिन, ऑफिस में हों या बिजनेस में हों। प्यार का बुखार आज आपके सिर पर चढ़ने के लिए तैयार है, इसका अनुभव कीजिए। आज ऑफिस में आपके काम में जो है आपकी दक्षता की परीक्षा होगी। इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप आज खरीदारी पर जाएं तो जरूरत से ज्यादा जेब ढीली करने से बचें। वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक दूसरे के प्यार को जो है सराहने का सही दिन है, तो लव पार्टनर की तारीफ करें। इस राशि की गृहिणियां आज अपनी माता से अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है क्या करना चाहिए, काले छाते दान करें गरीब को। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि वालों की। आज अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। वो काम आपके मन को खुशी देगा। बिना विचार किए आज आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। और पैसों के मामले में तो वैसे भी सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे आते हैं। आप माने या ना माने, आज हो सकता है कि कोई ऐसा जो आपको बहुत ही अपना आदर्श मानता है गौर से देखेगा और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने नेचर में वो लाने की कोशिश करेगा, यानी आपको आइडल की तरह कोई देख सकता है। आज ऐसे काम करें जो काबिले तारीफ हो, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। दोस्ती में प्रगाढ़ता के चलते आज रोमांस का फूल खिल सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में दिल लगाने से बचे नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बात करें। आज के दिन शुरू किया गया निर्माण का कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होगा। आपका जीवन साथी आपको आज कुछ ज्यादा ही वक्त देने वाला है। छात्रों को आज अपने किसी क्लोज फ्रेंड से उनकी नोकझोंक हो सकती है और ये नोकझोंक आपके कुछ दिनों के रिश्ते पर असर डालेगी। बात करें गृहिणियों की तो आज धन के मामले को लेकर अपने पति से आपके मतभेद हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन आपको किसी गरीब को कुछ पैसे दान में देने चाहिए। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 2 मार्च का दिन, यानी मंडे का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। सप्ताह की शुरुआत है आज, मंडे है, सोमवार है, अभी 6 दिन और आपके आएंगे सप्ताह में। कोशिश करें आज के दिन वो काम करें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करें आने वाले बाकी के 6 दिनों की और उसके बाद उस तरीके से ही चलें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, उम्मीद करते हैं वो पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई हुई है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी हमारे चैनल का प्रेस कर दें ताकि कल की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।